आपने मंदिर के एंगल्स में भगवान का गाय इसके लिए का हुआ इस मूस को इसने को भले किया है हो चुका है। कल हमने रामलीला छोड़ी थी जब कुंभकर्ण वध के बाद अपने सभी बंधुओं अपने पुत्र सबके मरने के बाद विक्षिप्त हुआ रावण बौखलाया हुआ रावण अपने रौद्र रूप में आ पहुंचा है और अब आ पहुंचा है वो अपने इस रावण रूप से मुक्ति के लिए प्रभु राम के पास जहां पर आज प्रभु राम रावण का अंत कर उसे श्राप से मुक्ति दिलाएंगे। इससे पहले अभी हम आज की कथा शुरू करें मैं चाहता हूं कि एक बार आई नो सारे उनका बहुत धन्यवाद कर चुके हैं पर जो हमारे सिंगर्स का जो अल्बर्टा गुजराती एसोसिएशन के सहयोग से यहां पहुंचे हैं इन्होंने हमारा दिल जीत लिया तो कृपया एक बार तालियां बजाकर एक बार पुनः इनका धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। तो और कृपया एक बार तालियां फिर बजाइएगा हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए जिन्होंने एक महीने पूरी मेहनत की और कल इतना सुंदर शो किया और आप आज उसकी अंत का समय आ गया है। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स जितने भी वॉलंटियर्स प्रफुल्ल भाई मधुसूदन भाई जिन्होंने कि आज रावण का पुतला खड़ा किया बहुत बहुत धन्यवाद उन सबका। और अब ज़्यादा समय ना लेते हुए क्योंकि रामा दल भी आ पहुँचा है रावण का अंत करने के लिए तो अब रावण दल स्टेज पर आ जाए। Oh,
जंगल के छोकरे बाहर निकल आओ। आग जली है, जल जाओगे। चिंगारी एक उठी है, प्राणों में आ जाएगी। राक्षसों का संहार हो चुका है और अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको इंतजार है। राम रावण युद्ध, राम रावण युद्ध। ये युद्ध अंदर भी होगा और हम बाहर जाके भी इस युद्ध को देखेंगे। राक्षस वाले
लंकेश रावण, मैं तुझे चुनौती देता हूँ, आ, आज मैं तेरे पापों का अंत करता हूँ। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। रावण की नाभि में अमृत है, इसीलिए कहते हैं घर का बेदी लंका डावे। धन्यवाद विभीषण जी, अब मैं ब्रह्मास्त्र चला के रावण की नाभि का अमृत सुखा दूंगा और इसके पापों का अंत करूंगा और इस धरती को इसके पाप के बोझ से मुक्त करूंगा। क्यों प्रतीत होता है रावण भाग गया है? हमें भी युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। तुम ठीक कहते हो भ्राता, चलो। आप लोग प्लीज धीरे धीरे शांति से उठ के बाहर जाएं, बाकी का युद्ध बाहर होगा, बट बी वेरी केयरफुल।